मध्य प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में अब शव भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक सुन रहे आप, हमीदिया अस्पताल में चूहों ने शव को कुतर दिया। अस्पताल की इस घोर लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हमीदिया में खतरा, शव को चूहों ने कुतरा, ये कैसा अस्पताल? व्यवस्था पर उठे सवाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अस्पताल की मर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतर दिया। परिजन जब पोस्टमार्टम के बाद शव लेने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि मर्चरी में बीआर सिंह नाम के शख्स का शव रखा हुआ था। परिजन जब शव लेने के लिए आए तो हैरान रह गए। शव के कानों से खून बह रहा था, चूहों ने शव के कान कुतर दिए थे। हमीदिया में इस घोर लापरवाही पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। शर्म से डूब जाना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। मर्चुरी में भी शव सुरक्षित नहीं है। आम मानव तो मध्य प्रदेश की धरती पर सुरक्षित नहीं है, ये तो दिल्ली का जो अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड है उसमें आ गया कि महिलाओं अबोध बच्चियों के साथ भयानकतम अपराध यहाँ हो रहा है। एक मरा हुआ व्यक्ति जो मर्चुरी में रखा है उसकी भी रक्षा नहीं हो पा रही है, चूहे कान कुतर के जा रहे हैं। शव को चूहे खा रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम चौपट मध्य प्रदेश में हो चुका है। जो भगवान के पैसों में तक करप्शन कर देते हैं तो उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वो अस्पतालों में करप्शन नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों की हालत तो इतनी खराब है कि एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, शव वाहन नहीं है और जवाबदारी किसी की नहीं है। हमीदिया में इस बद इंतजामी पर कांग्रेस हमलावर है। घटना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने मामले की जांच की बात कही और ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मैंने जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि क्या कुछ कारण है उसका पता लगा जाए। वैसे हमने पूरी तरह से मर्चुरी को मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है और केवल यही नहीं, सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी जहां मर्चुरी है वो मॉड्यूलर मर्चुरी बने और इस तरह की घटनाएं ना हो इसके निर्देश दिए। प्रदेश के अस्पतालों में चूहों के आतंक ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और शवों को चूहों ने कुतरा है और शासन प्रशासन हर घटना के बाद सख्त कार्रवाई की बात कहता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं थम नहीं रही। इस घटना से प्रदेश की सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इस बीच बड़ा सवाल है कि इस घटना के बाद क्या चूहों पर लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।